भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जनकपुर में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर 13 परिवारों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है और आदिवासियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। पूरा मामला एमसीबी जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ पर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई की। हमारे जनकपुर क्षेत्र के रिहायशी इलाका है, वो कंपार्टमेंट लगा हुआ है, तो उसको अतिक्रमण से मुक्त कराना था ताकि हम लोग के पर्यावरण को भी सुरक्षा मिल सके, हम लोग का सोच था इसमें। और पहले से भी जो किए थे उनको दो दो तीन तीन बार नोटिस दिए जा चुकी है, उसके तहत हम लोगों ने वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस हमले के विशेष सहयोग के तौर से हम लोगों ने अतिक्रमण घटाया है। दूसरी ओर जनकपुर में जिस तरह से जो इस ठंड के समय में जहाँ पर लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, रैन बसेरा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे समय में अगर यहाँ के कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर अगर गरीबों का मकान गिराया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जनकपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अधिकांशतः वहाँ आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। आज जो वन विभाग के द्वारा जो कार्यवाही किया गया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब यहाँ नए घर बना रहे थे तो वन विभाग का सोए हुए थे पट्टी लगा करके, उन्होंने तो देखा होगा ना कि यहाँ भी घर। और इस पर मैं घोर निंदा करती हूँ आज का।